भारतीय क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने हाल ही में अपनी मंगेतर और फेमस यूट्यूबर धनश्री वर्मा के साथ शादी रचाई है। शादी के बाद ये कपल अब हनीमून मना रहा है। इस दौरान दोनों को पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के साथ दुबई में देखा गया। चहल और धनश्री धोनी और उनकी पत्नी साक्षी के साथ दुबई में एक रेस्टोरेंट में डिनर करते देखे गए। हालांकि चहल और धनश्री दोनों ने ही इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। युजवेंद्र ने इस मुलाकात की दो फोटो शेयर कर एक खास मैसेज भी लिखा। युजवेंद्र चहल ने धोनी के साथ अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, बेहद खुश और धन्य। वहीं चहल की पत्नी धनश्री ने भी अपने इंस्टाग्राम पर धोनी के साथ तस्वीर पोस्ट की और डिनर के लिए शुक्रिया कहा। धनश्री ने धोनी के साथ अपने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, अत्यंत धन्य। मैं बस यही कहूंगी कि धन्यवाद धोनी और साक्षी इस डिनर के लिए, हमें घर जैसा एहसास हुआ। बता दें सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें धनश्री एक कोरियोग्राफर और यूट्यूबर हैं। धनश्री अक्सर सोशल मीडिया पर अपने डांस के वीडियो शेयर करती रहती हैं। उनके वीडियो को काफ़ी लाइक और कमेंट्स भी मिलते हैं। वो अपनी खुद की डांस कंपनी धनश्री वर्मा कंपनी चलाती हैं। इंस्टाग्राम पर धनश्री के 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा धनश्री मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हैं और वो एक डॉक्टर भी हैं। गौरतलब है कि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे और T20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। चहल ने अभी तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वो वनडे और T20 टीम के रेगुलर सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को T20 सीरीज जिताने में चहल का अहम योगदान रहा था। चहल ने अब तक भारत के लिए 54 वनडे और 45 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वनडे में चहल के नाम 92 और T20 में 59 विकेट है। बता दें धोनी ने इसी साल 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। धोनी ने IPL के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी की और फिर दुबई से स्वदेश लौट गए थे। इसके बाद वो फैमिली के साथ दुबई वापस छुट्टियां मनाने पहुंच गए हैं।